शुरुआत में रेड फेरी एम्प्रेस के सारे राज खोलना शुरू करता है और कहता है अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर वो आज तक बर्ड ट्राइब की मदद करती आ रही हैं। जब फ्लावर रैम ने महीनों तक बर्ड ट्राइब को फूड देना बंद कर दिया था तो एम्प्रेस ने बिना किसी की परमिशन के हेवन के 8 अनाज भंडारों को खुलवा दिया था। एम्प्रेस कहता है फ्लावर रैम ने फूड देना बंद कर दिया था, इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं पता। तो एम्प्रेस कहती है आप अपने निजी कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए मैं आपका बर्डन हल्का करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन एम्प्रेस को गुस्सा आ जाता है। अब एम्प्रेस अपने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगने लगती है। शुफेंग भी अपनी मदर की तरफ से एम्प्रेस से माफी मांगता है। रेड फेरी कहता है चाहे आज मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाएं, लेकिन मैं उन सभी के लिए इंसाफ मांगूंगा जिनकी एम्प्रेस की वजह से बेगुनाह मौत हुई है। वो मैं ही था जिसने फायर मोर्टल के रीबर्थ के समय उन पर अटैक किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एम्प्रेस की कोई भी ब्लड लाइन जिंदा रहे। मैंने जानबूझकर एम्प्रेस के बैंकवेट वाले दिन जिनमी की तरफ एक रैट छोड़ा। मैं पहले ही जान चुका था कि जिनमी वाटर मोर्टल की बेटी है। मैं एम्प्रेस के बैंकवेट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता था और वाटर मोर्टल और फ्लावर रैम को एम्प्रेस के खिलाफ खड़ा करना चाहता था। शुफेंग कहता है क्या तुम्हें पता है सुप्रीम इमोर्टल के लिए ऐसा बोलने पर तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। रेड फेरी कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता। फिर वो एम्प्रेस से कहता है आपको याद होगा कि फ्लावर रैम हेवल रैम से क्यों अलग हुआ था, और क्या आपको सूली याद है। सूली का नाम सुनते ही एम्प्रेस को गुस्सा आ जाता है। एम्प्रेस भी कहने लगती है ये सूली ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। एम्प्रेस कहता है तुमने फायर इमोर्टल पर हमला किया, एम्प्रेस के लिए गलत शब्द कहे, तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। रेड फेरी कहने लगता है मुझे पता था तुम सब के सब एक जैसे ही हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक फेरी से पहले ही बोलकर आया था कि मैं मास्टर को अब तुम्हारे हवाले करता हूँ, और अपनी सजा के लिए तैयार हो जाता है। एम्प्रेस उसे मार देता है। एम्प्रेस कहने लगती है रेड इमोर्टल की खुद की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती, कहीं इसके साथ सूली या वाटर इमोर्टल। वो इतना कहती ही है कि एम्प्रेस उसको चुप करते हुए कहते हैं वाटर इमोर्टल पब्लिक अफेयर्स में कभी नहीं पड़ते, रेड फेरी बस हमारे बीच में दुश्मनी पैदा करना चाह रहा था। वैसे भी वाटर इमोर्टल की बेटी जिनमी से रिन्यू की शादी होने वाली है, हमें उस बारे में सोचना चाहिए। वाटर इमोर्टल को रेड फेरी की मौत का बहुत दुख हो रहा था। वो एम्प्रेस से गुस्से में कहता है कि अभी मेरी बेटी कोई इमोर्टल नहीं है, मुझे लगता है कि वो आपके परिवार में शादी करने के योग्य नहीं है। एम्प्रेस कहता है तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है, तुम रेड फेरी की बातों में मत आओ। तभी रिन्यू कहने लगता है जिनमी काफी सालों बाद वाटर इमोर्टल को मिली है, तो वो उसके साथ समय बिताना चाहते होंगे इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। हम कुछ समय वाटर इमोर्टल को उनकी बेटी के साथ रहने देते हैं, और वैसे भी मैं और जिनमी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं जिनमी के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा, चाहे वो अब हो या कुछ समय बाद। एम्प्रेस मान जाता है। एम्प्रेस कहने लगती है शुफेंग की भी शादी की उम्र हो गई है, और वो शुफेंग और सुहा की शादी की बात रखती है। एम्प्रेस से कहता है रेड फेरी ने शुफेंग को नुकसान पहुंचाना चाहा, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, अच्छा होगा कि तुम आगे से अपनी हरकतों पर ध्यान दो। अब रिन्यू और शुफेंग बाहर आपस में बात कर रहे होते हैं। रिन्यू शुफेंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये सूली कौन हो सकती है। इस सूली का नाम सुनते ही फादर और मदर काफी नाराज हो गए थे, तो शुफेंग कहने लगता है मुझे नहीं पता, हो सकता है सूली से फादर का अफेयर रहा हो। रिन्यू कहता है फादर के पास बस 2 मैजिकल फायरबॉल पल्स थे, एक उन्होंने मदर को दिया, और किसने सोचा था कि दूसरा इस सूली के पास होगा। शुफेंग कहता है मुझे फादर के अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे रिन्यू रोकते हुए कहता है तुम जिनमी को आसानी से नहीं जाने दोगे ना, तुम्हें समझना होगा चाहे जिनमी तुमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता संभव नहीं है। तो शुफेंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। रिन्यू सोचने लगता है क्या मैं उसे बता दूं कि फ्लोरा इमोर्टल की मौत किस वजह से हुई थी, लेकिन वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा और फालतू हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा। रिन्यू कहता है मदर और फ्लोरा इमोर्टल के बीच में लड़ाई रही है, इसलिए मदर बार बार मुझ पर और वाटर इमोर्टल पर इल्जाम लगा रही थी। शुफेंग पूछता है किस तरीके की लड़ाई। रिन्यू कहता है तुम तो मदर के गुस्से को जानते ही हो ना, और चाहे कुछ भी हो जाए वाटर इमोर्टल जिनमी की शादी तुमसे नहीं होने देंगे। शुफेंग कहता है तुम्हारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं जिनमी को इतनी आसानी से तुम्हें नहीं दूंगा।
रुन्यू कहता है, शिफांग हम दोनों भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे प्यार में पड़ो जो तुम्हारा नहीं हो सकता। और वैसे भी जिनमी और मेरी शादी होने वाली है, तो शिफांग कहता है ये जिनमी की फीलिंग्स पर डिपेंड करेगा। अब रुन्यू वहां से चला जाता है। शिफांग का असिस्टेंट उसे कान में आकर कुछ बताता है। अब शिफांग अपनी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके और फ्लोरा इमोर्टल के बीच में क्या हुआ था? रेड इमोर्टल ने ऐसा क्यों कहा था कि आपने काफी इमोर्टल्स और फेरी को मारा है? एम्प्रेस कहती है, तो तुम सुबह सुबह मुझसे क्वेश्चंस करने आए हो, क्या तुम मुझे ऐसी औरत समझते हो? तो शिफांग कहता है, मैं बस आपके लिए चिंतित हूँ। एम्प्रेस कहती है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उस रेड फेरी पर विश्वास कर लिया। वो रुन्यू की शादी के बारे में सोच रहे थे और तुम्हारी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। शिफांग उससे कहता है, माँ मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, सुहा मेरे लिए एक बहन जैसी है और मैं उससे प्यार नहीं करता। तो एम्प्रेस कहती है, तो क्या तुम उस जिनमी से प्यार करते हो? लेकिन अब वो तुम्हारे भाई की फियांसे है, अब क्या तुम अपने भाई से उस जिनमी के लिए लड़ोगे? सुहा से शादी कर लो, उसके पास बर्ड ट्रैप का सपोर्ट है। अब शिफांग को गुस्सा आता है और वो कहता है, मदर कल मेरे एक असिस्टेंट ने किसी को रेड फेरी के मेंशन में जाते हुए देखा और वो वहां से फिर आपके मेंशन में आया था। पिताजी आपसे वैसे ही बहुत नाराज हैं, प्लीज आप अब कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे पिताजी का गुस्सा और बढ़ जाए। ऐसा कहकर शिफांग वहां से चला जाता है। एम्प्रेस गुस्से में मिस्सी से कहती है, तुम किसी काम की नहीं हो। अब शिफांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो फ्लोरा इमोर्टल की मौत का पता लगाए और सूली कौन है इस बात का भी वो पता लगाए। वाटर इमोर्टल को चेस खेलते वक्त रेड फेरी की आत्मा दिखने लगती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है जो तुम चाहते हो? रेड फेरी उससे कहता है, हमें वही रहना चाहिए जहाँ हमारा दिल है। वाटर इमोर्टल समझ जाता है और वो हेवन रैल्म छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर स्नेक फेरी दुखी होने लगता है कि उसे बचाने के लिए रेड इमोर्टल ने अपनी जान दे दी। अब एम्परर और वाटर इमोर्टल आपस में बात कर रहे थे। एम्परर इमोर्टल से पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूँ? वाटर गॉड कहता है कि मुझे पता है तुम सोचते हो कि मैं रेड फेरी के साथ मिला हुआ था, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं अपनी बेटी जिनमी से बहुत पहले ही मिल चुका होता। हालांकि रेड फेरी ने गलत किया, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे सबके सामने इस तरह नहीं मारना चाहिए था। एम्परर कहता है, वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था और मुझे हेवनली फैमिली की रेपुटेशन का भी ख्याल रखना था। वाटर गॉड कहता है, तुम्हें अपनी फैमिली के रेपुटेशन का ख्याल था, इसीलिए तुमने सच सुनना जरूरी नहीं समझा। अब एम्परर वाटर गॉड से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करते आया हूँ और मुझे हमेशा तुम पर विश्वास रहा है, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इधर लिंचो और वाटर मोर्टल फ्लावर रेल्म पहुँचते हैं और इतने दिन जिनमी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। चीफ जांग कहती है, जिनमी का ख्याल रखना उसका फर्ज था। चीफ जांग जिनमी से कहती है कि जिनमी के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद और हेवन रॉयल्म में शांति हो जाने के बाद जिनमी अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए जा सकती है। तब तक के लिए उसने वाटर इमोर्टल और विंड इमोर्टल को फ्लावर रॉयल्म में ही बुला लिया है ताकि वो जिनमी का ठीक से ख्याल रख सकें। अब लिंशु जिनमी को अपने हाथ के बनाए फ्लावर बिस्किट्स खिला रही थी कि तभी जिनमी उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है। लिंशु जिनमी को बताना शुरू करती है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें वाटर इमोर्टल को फ्लोरा गॉडेस मिली थी जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी हालत को देखकर वो उसे अपनी मास्टर के पास ले गया और उनसे उसे बचाने की रिक्वेस्ट करने लगा। तो उसकी मास्टर ने कहा कि ये कोई ह्यूमन बेबी नहीं है, ये लोटस फ्लावर की एक पत्ती है जो कि भगवान बुद्ध के पास से गिर गई है और हमारी दुनिया में आ गई है। इसकी आत्मा बुरी तरह घायल है। वाटर इमोर्टल अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे बचा लें। तो उसकी मास्टर कहती हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो हो सकता है भविष्य में तुम्हें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े। वाटर इमोर्टल उसे बचाने के लिए मान जाता है। वाटर इमोर्टल, विंड इमोर्टल और फ्लोरा गॉडेस साथ में पढ़ा करते थे। जिनमी ये सुनकर कहने लगती है, तो मेरी माँ को एम्परर से कैसे प्यार हुआ? लिंचु बताती है, एक दिन एम्परर की नजर जिफेन पर पड़ी। उन्हें पहली नजर में ही जिफेन बहुत अच्छी लगी थी। सारे 6 राज्यों में वो जिफेन को ढूंढने निकल पड़े थे। जिफेन को ओपेरा देखना बहुत पसंद था, तो एक दिन ओपेरा देखते वक्त एम्परर को जिफेन वापस मिल गई। किसने सोचा था कि उनकी लव स्टोरी का ऐसा मोड़ आएगा? लिंचू कहती है, जिफेन बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी, आज से तुम मेरी बेटी हो। और उसे कुछ मंत्र पूछती है तो जिनमी कहती है कि वो उसे कल जरूर सुना देगी। और जिनमी मंत्र याद करने बैठ जाती है तो उसे फीनिक्स की याद आती है।
और कहती है, मुझे लगता था फीनिक्स का रीडिंग असिस्टेंट बनना टफ है, लेकिन आंट लिंचो की डॉटर बनना तो और भी टफ है। तभी वहाँ वाटर इमोर्टल आता है। जिनमी उससे पूछती है, पिताजी क्या मैं अभी एक इमोर्टल बनने के योग्य नहीं हूँ? वाटर इमोर्टल उसे समझाता है, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए और मंत्र याद करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं नहीं रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली रह जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी स्ट्रांग और पावरफुल हो जाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े और तुम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सको। मैं चाहता हूं तुम ऐसे इमोर्टल बनो जिसकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट हो, कॉन्फिडेंस हो और उसमें बहुत स्ट्रेंथ हो। अब वाटर गॉड लिंचू के पास जाता है जो अपने ज़िफ़ैन और उसके पुराने दिन याद कर रही थी। वाटर गॉड कहता है, दुख की बात है कि ज़िफ़ैन हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई और इतने सालों में मैं जिनमी का पिता होने के नाते कोई ड्यूटी नहीं निभा पाया। लिंचू उससे कहती है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत समय है और मुझे पता है आप एक बहुत अच्छे पिता बनेंगे। अब वाटर गॉड कहता है, कल मैं जिनमी को अपने मास्टर के पास ले जाऊंगा। वाटर मॉडल जिनमी को अपने मास्टर के पास लेकर आता है। वहां पर रखे फ्लावर को देखकर जिनमी कहने लगती है, इसकी एक पेटल क्यों नहीं है? लेकिन वाटर मॉडल उसे अपने पास बुला लेता है। मास्टर देखते ही समझ जाती है कि वो ज़िफ़ैन की बेटी है। वाटर गॉड उससे कहता है, क्या प्लीज मेरी बेटी की जलालन सील हटाने में मदद करेंगी? मास्टर कहती है, जो इंसान मरने वाला है उसकी जलालन सील हटाने या ना हटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर गॉड उसकी बात सुनकर डर जाता है और कहता है, प्लीज मेरी बेटी की जान बचाने में मदद करें। मास्टर उसे एक एग्जाम्पल देते हुए कहती है, अगर कोई टाइगर घायल है और उसे बचाया जाए तो वो जंगल में जाकर काफी जानवरों का कत्ल करेगा, तो एक की जान बचाने के लिए इतने लोगों को क्यों मारा जाए? वाटर गॉड को मास्टर की बात समझ नहीं आती। वो कहता है, मैं आपको जुबान देता हूँ, मेरी बेटी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, प्लीज उसकी मदद करें। अब मास्टर जिनमी को अपने पास बुलाती है और उसके हाथों में ब्रह्मा की एशेस लगाती है और उससे कहती है, अगर तुम प्यार से दूर रहोगी तो तुम्हें डर और दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये ब्रह्मा की एशेस तुम्हें तुम्हारे ट्रायल में मदद करेंगी। अब जिनमी उसे रोरो प्लांट दिखाते हुए कहती है, क्या आप मेरी फ्रेंड को भी ठीक कर सकती हैं? मास्टर उससे कहती है, तुम जल्दी ही अपनी दोस्त से मिलने वाली हो, लेकिन तुम बहुत जल्दी उससे बिछड़ भी जाओगी। जिनमी ये जानकर खुश हो जाती है कि वो जल्दी रोरो से मिलने वाली है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज, आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सूली जिसका इस एपिसोड में जिक्र किया गया है वो कौन हो सकती है। प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड देखकर चीटिंग मत करना। और साथ में मुझे ये भी बताइए, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि प्लीज़ एक एक एपिसोड ही एक्सप्लेन कीजिए, तो आज मैंने एक एपिसोड एक्सप्लेन किया है, तो ये ज़्यादा ठीक है या दो एपिसोड जो मैं साथ में कर रही थी वो ज़्यादा ठीक था? ओके, सो आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।